keep on playing Summertime Sadness. सब्जी दिनेश लगता है। मैं बूढ़ी आंटी और उसके एलिफेंट्स के ऊपर स्टोरी बोल रही हूँ। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास एक एलिफेंट था। उसका नाम बेबी एलिफेंट था और उसके साथ बाजू वाले गांव में एक लड़का और एक लड़की थे। तो वो लोग हर सुबह हाथी पर सवारी के लिए निकलते थे, लेकिन दूसरे दिन वो सवारी के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक मजदूर की कुलाटी पानी में गिर गई है। तो दोनों बच्चे उनकी मदद करने गए, लेकिन उनसे नहीं हुआ। तो हाथी ने, बेबी एलिफेंट ने सोचा कि मैं उनकी कुलाटी अपने तरीके से करूं। तो उसने अपनी सूंड पानी में डाली और कुलाटी फटाफट से बाहर निकाल दी और उसको फार्मर ने दिया एक मैंगो, मतलब एक आम, जिसको देखकर ही वो इतना खुश हो गया कि हर सुबह जिसकी भी कुछ भी चीज़ किधर भी घूम जाती थी या पानी में गिर जाती थी तो वो मदद करता था। ठीक, आम का फल मीठा होता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देशना और आज मैं आपको एक कहानी बोलने वाली हूँ, एक चतुर कौवे का। एक दिन एक घने जंगल में कौवा रहता था और उसका घोंसला था। उसके नीचे ही सांप का बिल था। तभी सांप ऊपर आया और कौवे के घोंसले में से अंडे खा गया। और जब भी कौवा आया वो उदास था, तभी उसको लगा कि सांप ने ही खाए होंगे। तभी उसने पूछा सांप को कि तुमने किसी को देखा मेरे घोंसले तक आते हुए? उसने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तभी दूसरे दिन वो कौवा दूसरे पेड़ पर चुप गया और जब भी सांप आया और खा लिया अंडे, तभी कौवे को देखा। कौवे ने देखा और सांप को पूछा, तुम मेरे अंडे क्यों खा रहे हो? सांप ने बोला, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और मुझे भूख लगी थी। तभी उसको एक उपाय सूझा। वो राजमहल के वहां गया और तभी वो एक पेड़ पे बैठा। तभी उसने देखा कि रानी नदी में तैर ना रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज्वेलरी थे और तो उसके पीछे सिपाही देख रहे थे कि वो कोई ना उठा ले जाए। तभी कौवे ने उसकी चोंच में वो ज्वेलरी लेकर भाग गया और सिपाही उसके पीछे भागे। तभी उसने सांप के बिल में फेंक दिया तो सिपाही तो सांप के बिल में मारने लगे और सांप जब बाहर आया उसके गले में ही माला था रानी का। तो उसने उन लोग ने मारा उसको और उसने माला ले गए। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के चतुराई से कौवे ने अपना अंडे बचा दिए। थैंक यू।